Hello, friends. Today I am going to start a new important MCQ series which will be related to John Milton. For your information, I want to tell you one more good news that I have already covered most important Antoniums in my YouTube channel. So you may go to the playlist and watch them also. But not now. Now you have to see this video. फ्रेंड्स टुडे वी विल नो अबाउट प्रीवियस ईयर आस्कड इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ जॉन मिल्टन यू शुड स्टे हेयर विद मी टिल द एंड ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज एम सी क्यू नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टो सिलेबिक कपलेट इनमें से कौन सी एक पोएम है जो जॉन मिल्टन ने ऑक्टो सिलेबिक कपलेट्स में लिखी हुई है ऑप्शन नंबर एक है इल पेंसेरोसो ऑप्शन नंबर बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑप्शन नंबर सी है ऑन द लेट मेसेका इन पेडमॉन्ट ऑप्शन नंबर डी है लिसिडास आपको बताना है कि नीचे दी ही पोएम्स में कौन सी पोइम ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स में लिखी हुई है अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए इल पेंसेरो तो आपका आंसर करेक्ट है नाउ एम सी क्यू नंबर टू द फ्रेज बॉटम लेस अकर्स इन मिल्टनस पैराडाइज लॉस्ट इन एक फ्रेज़ है जिसका नाम है बॉटम लेस प्रोडिक्शन ये जॉन मिल्टनस की पैराडाइज जो लॉस्ट है उसमें आया हुआ है आपको बताना है कि किस बुक में इसका जिक्र किया गया है ऑप्शन नंबर ए है बुक फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी बुक फोर्थ ऑप्शन नंबर सी है बुक सिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है बुक ट्वेल्थ बताइए किस बुक में आया हुआ है अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए बुक फर्स्ट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है नाओ एम सी क्यू नंबर थर्ड इट अपियर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विद नोइंग मंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट जो है यहां इट से लेकर यहाँ नीचे इट तक ये स्टेटमेंट किसका है ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंक करमोड ऑप्शन नंबर बी है विलियम एम्पसन ऑप्शन नंबर सी है सी एस लेविस एंड ऑप्शन नंबर डी है विलियम ब्लैक आपको आंसर देना है कि यह स्टेटमेंट किसका है अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी विलियम ब्लैक दैट इज करेक्ट आंसर नाउ एम सी क्यू नंबर फोर वॉट इज़ एल एलेग्रोज कम्पेनियन पीस कार्ड एल एलेग्रो के कम्पेनियन पीस को क्या कहा जाता है या वो एल एलेग्रो का कम्पेनियन पीस कौन सा है ऑप्शन नंबर ए है लेमिया ऑप्शन नंबर बी है हाइपेरियन ऑप्शन नंबर सी है इल पेंसेरोसो एंड ऑप्शन नंबर डी है थायरिसिस आपको बताना है कंपेनियन पीस कौन सा है एल एलेग्रो का अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी इल पेंसेरोसो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है एम सी क्यू नंबर सिक्स इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इनवॉक्स हिज हैवनली म्यूज़ यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ कुछ कॉड दिए वह नीचे बुक फर्स्ट बुक फोर बुक नाइन एंड बुक सेवन द राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कॉड इज यहाँ पर दो बुक्स हैं जो सेलेक्ट करनी है आपको कि जो उसने हेवनली म्यूज़ है जिसका नाम यूरेनिया है इसको इन्वॉक किया है किस बिगनिंग में किस बुक की बिगनिंग में किया है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं एक तो ये फर्स्ट बुक वन इसमें उन्होंने इन्वाइट किया था और एक बताना है आपको कि बुक फोर में बुक नाइन में या फिर बुक सेवन में किस में इन्व किया है उन्होंने जो यूरेनिया है हेवनली म्यूज़ हैं किस बुक के स्टार्टिंग में उन्होंने इनवाइट किया है इनको बताइए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुक फर्स्ट में एंड बुक सेवन में आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कब पब्लिश की गई थी आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए नाउ एम सी क्यू नंबर सेवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एल ए जी ये नीचे फोर बुक्स वर्क दिए गए हैं जॉन मिल्टन के इसमें से बताना है आपको कि एल ए जी कौन सी है ऑप्शन नंबर ए लिसिडास ऑप्शन नंबर बी एल एलेग्रो ऑप्शन नंबर सी कॉमर्स एंड ऑप्शन नंबर डी है पैराडाइज लॉस्ट बताइए इसमें से एलिजी कौन सी है एलिजी है लिसिडास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिसिडास और इसको अपियर किया गया था 1638 में नाउ एमसीक्यू नंबर एट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नाइन मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद यहाँ फिलअप दिया हुआ है एंड सो एट द फॉरविडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज आपको बताना है कि यहाँ पर फिलअप क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए फीमेल चार ऑप्शन नंबर बी है एक्सीडिंग लव ऑप्शन नंबर सी है फेथफुल लव ऑप्शन नंबर डी है टेस्ट सो डिवाइन एक बार रीड कर लीजिए इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नाइन मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद किस चीज से एडम जो है वो ओवरकम हो गए थे जिस वजह से उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खाया था बताइए अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए फीमेल चार दैट इज करेक्ट आंसर नाउ एम सी क्यू नंबर नाइन यहां पर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से ही दैट ग्लोरी नेवर शेल हिज रेथ ओवर माइड एग्जॉर्ट फ्रॉम मी ये जो स्टेटमेंट है यह पैराडाइज लोस्ट बुक से लिया गया है बुक नंबर वन वॉट ग्लोरी इज बींग रेफर्ड टू बाई सेटन ठीक है ग्लोरी को समझ लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए है टू करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड ऑप्शन नंबर बी है टू रेन इन हेल ऑप्शन नंबर सी है टू डिफीट गॉड एंड ऑप्शन नंबर डी है टू स्प्रेड इविल बताइए ग्लोरी किस चीज के लिए यूज की गई है शैतान के द्वारा अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड दैट इज करेक्ट आंसर नाउ एम सी क्यू नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपेजिटिका रोपैजीटिका का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कहा गया नॉट ट्रू दैट मीन्स फॉल्स हम वी हैव टू find फॉल्स स्टेटमेंट नीचे फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से हमें कोई एक जो नॉट ट्रू हो दैट मीन्स फॉल्स को हमें फाइंड करना है ऑप्शन नंबर ए इट वॉज पब्लिश इन सिक्सटीन फोर्टी फोर डेट इज करेक्ट राइट ऑप्शन नंबर बी इट आर्गस फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंड प्रिटिंग ऑप्शन नंबर सी है इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी है इट इज स्पीच एड्रेसिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड बताइए वॉट इज रोंग इन द गिवन ऑप्शन अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट यही स्टेटमेंट इसके अंदर रोंग है नाउ एम सी क्यू नंबर इलेवन इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री थॉमस ग्रेस प्रोग्रेस ऑफ पॉइजी इन वोक्स अ मेजर पॉइंट एज फेलोस को इनवोक्स करता है मेजर पॉइंट को कौन से है वो नोर सेकेंड ही दैट रोड अब लाइन अपॉन द सर्फ विंग्स ऑफ एक्सटेसी द सीक्रेट ऑफ द एविजू स्पाई हु इज ही ही फाइंड करना है ही कौन है ऑप्शन नंबर ए है विलियम शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है एडमर्ड इंस्पेंसर ऑप्शन नंबर सी है जॉन मिल्टन एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन ड्राइडन नाउ गिव द आंसर इफ यू चोज ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन दैट इज करेक्ट आंसर नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेल्व हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कंटेप्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्थी कम्युनिकेंट इट इज सेट दैट हिस प्रोज कैन बी रीड इजीली वैन मिल्टन मस्ट बी स्टडीड ये स्टेटमेंट किसका है ऑप्शन नंबर ए जेरेमी टेलर ऑप्शन नंबर बी है जॉन बन ऑप्शन नंबर सी है एंड्रयू मार्वेल एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज हर्बर्ट बताइए ये किसका स्टेटमेंट है किसने कहा था कि कैन बी रीड इजीली कि उनकी जो प्रोज है उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं लेकिन जो मिल्टन की है उसको स्टडी किया जाएगा अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए जेरेमी टेलर दैट इज़ करेक्ट आंसर नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टीन द ओपनिंग सिक्सटीन लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज ओपनिंग सिक्सटीन लाइन्स को देखना है आपको ऑप्शन नंबर ए है वन सेंटेंस ऑप्शन नंबर बी है टू सेंटेंसेस ऑप्शन नंबर सी है थ्री सेंटेंसेस एंड ऑप्शन नंबर फोर है फोर सेंटेंसेस नाउ गिव द आंसर जो सिक्सटीन लाइन है ओपनिंग वो वन बाय वन है वन वन सेंटेंसेस के अंदर ऑप्शन नंबर ए वन सेंटेंस नाउ एम सी क्यू नंबर फोर्टीन इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन टू स्टेज इन बुक्स किन बुक्स की स्टेजस में इन्होंने एक्शन जो है वो फॉल ऑफ मैन को प्रजेंट किया है ऑप्शन नंबर ए है फोर एंड नाइन ऑप्शन नंबर बी है बुक फोर एंड बुक एट ऑप्शन नंबर सी है बुक थर्ड एंड नाइन्थ एंड ऑप्शन नंबर डी है बुक फाइव एंड टेन नाव गिफद जी बिल्कुल करेक्ट जगह पूछ रहे हैं आप ऑप्शन नंबर ए बुक फोर एंड बुक नाइन इसको पब्लिश किया गया था सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में नाउ एम सी क्यू नंबर फिफ्टीन वेयर देयर इज लीज़र फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रेफ वॉज सैम्यूएल जॉनसन क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम विच पोएम इट वॉज ये कौन सी पोयम थी जिस पर सैम्यूएल जॉनसन ने क्रिटिसिज्म किया है एक फेमस पोएम पर ऑप्शन नंबर ए है पी बी शैलीज एडोनिस पर ये स्टेटमेंट इन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर बी है फिलिप सिडनीस एस्ट्रोफल एंड स्टेला ऑप्शन नंबर सी है थॉमस ग्रेज एलेजी रिटिन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन मिल्टनस लिसीडास ये स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट जो है सैमुअल जॉनसन का है ये किसी पोएम के ऊपर कहा गया है वो पोएम आपको फाइंड करनी है इसमें से अगर आपने चोज किया है ऑप्शन नंबर डी जॉन मिल्टन दैट इज़ करेक्ट नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटीन एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो ये स्टेटमेंट आया है हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो बुक ट्वेल्थ के अंदर पैराडाइज लॉस्ट में वॉट इज देयर कंसोलेशन उनकी कंसोलेशन क्या थी आपको ये बताना है ऑप्शन नंबर ए है दे आर कंफर्टेड बाई देयर लव फॉर वन एनोदर ऑप्शन नंबर बी है दे आर कंफर्टेड बाई दे आर फॉर नॉलेज ऑफ़ द कमिंग ऑफ क्राइट्स रिडीमर ऑफ मैन काइंड ऑप्शन नंबर सी है दे आर कंफर्टिड बाई गॉड हु ट्रेवल्स बिफोर दैम इन दॉर्म ऑफ ए पिलर ऑफ फायर ऑप्शन नंबर डी है दे आर कंफर्टेड बाई द एंजल हु होल्ड्स ईच ऑफ दैम बाई देंड नाउ गिव द आंसर अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी देट इज करेक्ट आंसर दे आर कंफर्टेड बाई दे आर

इसको बताते हैं इस बात को नाउ एम सी क्यू नंबर एटीन जॉन मिल्टंस डेस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीसी बैन पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकेंड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज जॉन मिल्टन डेस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज गोल्ड के डिस्क्रिप्शन दे रहे हूँ प्रीसियस बैन की तरह ठीक है बताइए इसको ये किस में बेस्ट डिस्क्राइब होगा डिकटाइल के अंदर ऑप्शन नंबर बी है एन ऑक्सीमर ऑप्शन नंबर सी है एन जामबेंट ऑप्शन नंबर डी है जोगमा नाउ गिव द आंसर अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी एनऑक्मर दैट इज करेक्ट नाउ एम सी क्यू नंबर नाइनटीन मिल्टनस लेमेंट फॉर हिज इन। मिल्टनस की जो लेमेंट है उसके ब्लाइंडनेस पर वो किस में अकर होता है ऑप्शन नंबर ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी कॉमर्स ऑप्शन नंबर सी है एरोपेजिटी का ऑप्शन नंबर डी है अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी नेटिविटी ऑड दैट इज करेक्ट और इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था सिक्सटीन फोर्टी फाइव में पब्लिश किया गया था नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी हु रिप्लाइज टू मिल्टन क्वेश्चन डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस बताइए कौन रिप्लाई करता है मिल्टन को इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है मिल्टन इनर वॉइस ऑप्शन नंबर बी है गॉड हिमसेल्फ ऑप्शन नंबर सी है पेसेंस एंड ऑप्शन नंबर डी है मरमर बताइए कौन रिप्लाई करता है मिल्टन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा पेसेंस नाउ एमसीक्यू नंबर ट्वेंटी वन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइट पॉइट के किस एक्सप्रेशन से ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ब्लाइंड होती है एंड होती है ऑप्शन नंबर ए है फेथस इन गॉड्स वे ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड ऑप्शन नंबर सी है एंड ऑप्शन नंबर डी है रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट नाउ गिव द आंसर अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए फेथ इन गॉड्स वे दैट इज करेक्ट आंसर Now, MCQ number 22. Who is Milton's on his blindness is believed to serve God best. Option number A. One who bears his burden best. Option number C. One who presents a true account of his talent. Option number C. One who doesn't allow talent to become useless. And option number D. One who makes full use of his talent. Now, give the answer. Who is Milton's? ऑन हिज ब्लाइंड बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए वन हु बियर्स हिज बर्ड एन बेस्ट दैट इज करेक्ट आंसर नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी थ्री मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज डिडेड इन टू मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट वर्क है वो कितनी बुक्स में डिवाइड है ये तो आप सब जानते हैं कि वो ट्वेल्व बुक्स में डिवाइड है नाव एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी फोर मिल्टनस ऑन हिज ब्लाइंड मिल्टन का जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंड पोयम है यह क्या है ऑप्शन नंबर ए है आपेंसरियन सोनेट ऑप्शन नंबर बी है पेट्रारकन सोनेट ऑप्शन नंबर सी है ऑकिटन सोनेट एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉरमेलिस्ट सोनेट क्या है ऑन हिज ब्लाइंड बताइए अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी पेट्रारकसोनेट दैट इज करेक्ट नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी फाइव दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु दे किसके लिए आया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वर्शिप गॉड के लिए ऑप्शन नंबर बी है प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स ऑप्शन नंबर सी है पेसेंसली एक्सेप्ट द टिक्री ऑफ गॉड ऑप्शन नंबर डी है मेक यूज ऑफ देयर पोइटिक टैलेंट गिव द आंसर जी हाँ बिल्कुल सही जगह पूछ रहे हैं आप ऑप्शन नंबर सी पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी सिक्स इन लाइन थ्री ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट वॉट इज इट वो क्या है ठीक है इन लाइन थ्री ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑप्शन देख लीजिए हिज फेथ ऑप्शन नंबर बी है हिज पैसेंस ऑप्शन नंबर सी है हिज पोइटिक एबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है हिज टेनेसिटी नाउ गिव द आंसर अगर आप चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हिज पोइटिक एबिलिटी दैट इज करेक्ट नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी सेवन हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन एक एस essay है एसेज ऑन मिल्टन नाम से उसके राइटर की बात कर रहे हैं कि वो राइटर कौन थे ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है मकौले ऑप्शन नंबर बी है कार्लाइल ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स रेड्स एंड ऑप्शन नंबर डी है मिसिस गास्केल नाउ गिव द आंसर कौन है राइटर एसेज ऑन मिल्टन के अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए मकौले दैट इज करेक्ट आंसर नाउ एम सी क्यू नंबर 28 ट्वेंटी एट एक स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से ही दे सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फ्राम विच पोएम हैज़ दिस लाइन बी टेकन ये जो लाइन्स हैं यह किस पोयम से ली गई है ऑप्शन नंबर ए है माई लास्ट डचेस ऑप्शन नंबर बी है ऑर्ड ऑन एग्रेसियन अर्न ऑप्शन नंबर सी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी है डेफोडेस बताइए ये लाइन्स जो है किस पोएम में आई हुई है और ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है यह भी एक बार पहले और डिस्कत हो चुकी है वो भी आ चुकी है और ये भी एक्जाम से में आया हुआ है आर पी एस सी पी जी दो हज़ार इलेवन के अंदर तो आपने चूज किया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस डेट इज करेक्ट आंसर और ये काफी इंपॉर्टेंट पोयम है नाउ एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी नाइन फिर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से ही व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट वाट डज लाइट रेफर सभी जान गए होंगे ऑप्शन नंबर ए है सनलाइट ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रा रेड रेज ऑप्शन नंबर सी है आई और ऑप्शन नंबर डी है कॉस्मिक रेज बिल्कुल करेक्ट आई साइट नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टी जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंड ईयर सिक्स वॉट अदर इवेंट इज पैक्यूलियर इन दिक्सटीन फिफ्टी टू में एक तो जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे और यह पूछ रहे हैं कि दूसरा इंसिडेंट हुआ था वो क्या था ऑप्शन नंबर ए है पब्लिश कॉमर्स कामर्स को पब्लिश किया गया था ऑप्शन नंबर बी है मैरिड इन्होंने शादी की थी ऑप्शन नंबर सी है हिज वाइफ डाइड उनकी वाइफ डेड हो गई थी एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था यदान आंसर। सिक्सटीन में एक तो ये ब्लाइंड हो गए थे कंप्लीटली ब्लाइंड दूसरी बात इनकी जो वाइफ थी वो डेड हो गई थी उनके नंबर थर्टी वन है लिसिडास वॉज रिटिन इन द मेमोरी ऑफ लिसिडास को किसके मेमोरी में लिखा गया था ये लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए है सर क्रिस्टोफर मिल्टन ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड किंग ऑप्शन नंबर सी है अर्थर हग क्लग एंड ऑप्शन नंबर डी है अर्थर हेलम आपको करेक्ट आंसर देना है करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड किंग दोस्तों लिसिडास जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई एक पास्टेरल एलेजी है जो कि 1637 में लिखी गई थी नाउ एम जी को नंबर थर्टी टू हु एंड अबाउट होम किसने लिखा है और किसके बारे में लिखा है स्टेटमेंट देख लीजिए दाई सोल वॉज लाइक स्टार एंड डवेल्ट अपार्ट ऑप्शन है मिल्टन अबाउट शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है किड्स अबाउट मिल्टन ऑप्शन नंबर सी है वर्ड्स वर्थ अबाउट मिल्टन ऑप्शन नंबर डी है मिल्टन अबाउट स्पेंसर आपको करेक्ट आंसर देना है कि यह स्टेटमेंट जो है किसने कहा है और किसके बारे में कहा है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ड्स वर्थ अबाउट मिल्टन दोस्तों ये लाइन जो आई है वर्ड्स वर्थ की एक पोएम है लंदन 1802 लंदन 1802 में ये लाइंस आई हुई हैं इसमें वर्षवर्थ ने ये मिल्टन के बारे में कहा है नाउ एम नंबर 33 थ्री वैन वास पैराडाइज लॉस पब्लिश पैराडाइज लॉस को कब पब्लिश किया गया था ऑप्शन है 1657 ऑप्शन नंबर बी 1671 ऑप्शन नंबर सी है 1637 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1667 दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1667 दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1667 में टेन बुक्स के साथ लेकिन इसका सेकंड एडिशन जो आया था वो आया था 1674 में जिसमें टोटल बुक्स जो हो गई थी वो ट्वेल्व हो गई थी आपको ध्यान रखना है टेन बुक्स जो थी वो फर्स्ट एडिशन में थी जो कि फ़र्स्ट एडिशन है 1667 और जो ट्वेल्व बुक्स आई थी वो आई थी सेकेंड एडिशन में जिसका ईयर है सिक्सटीन नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टी फोर थीम ऑफ एरियोपेजिटिका इज एरोपेजीटिका की थीम क्या है ऑप्शन नंबर ए है लिबर्टी ऑफ वूमेन ऑप्शन नंबर बी है फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑप्शन नंबर सी है सेंक्शन ऑफ प्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है सेंक्शन ऑफ पोलीगेमी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि एरोपेजिटिका जो है कब पब्लिश की गई थी आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए नाउ एम सी को नंबर थर्टी फाइव विच वन वाज मिल्टन फेवरेट मिल्टन की फेवरेट बुक कौन सी है ऑप्शन नंबर ए है पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन नंबर बी है सैमसन एगोनिस्टिस ऑप्शन नंबर सी है पैराडाइज रिगेन एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज आपको बताना है कि मिल्टन की फेवरेट बुक इसमें कौन सी है करेक्ट आंसर होगा पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन आया था 1667 में जो कि 10 बुक्स के साथ में आया था और पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड एडिशन आया था 1674 में जो कि 12 बुक्स के साथ आया था नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टी सिक्स नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स नथिंग टू वेल और नो द ब्रीस्ट नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट डिस्प्रेज और ब्लेम नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वॉट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल र फ्राम दीज लाइन्स टेकन ये लाइन्स जो हैं कहाँ से ली गई हैं यह आपको बताना है एंड ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए है पैराडाइज रिगेन ऑप्शन नंबर बी है पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन नंबर सी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी है सैमसन एगोनिस्टिस आपको करैक्ट आंसर देना है कि लाइन्स जो हैं जॉन मिल्टन के किस वर्क में आई हुई हैं अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी सैमसन एगोनिस्टिस तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स आपको हम पता चले कि जो वर्क है इनका ये एक ब्लैंक वर्स में आया हुआ है और ये एक ट्रेजडी है जो पब्लिश हुआ था सिक्सटीन में नाउ एम नंबर थर्टी द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज कॉमर्स की लिटरेरी फॉर्म क्या है ऑप्शन नंबर ए है मास्क ऑप्शन नंबर बी है पेस्टोरल एलिजी ऑप्शन नंबर सी है एन एपिक एंड ऑप्शन नंबर डी है सोनेट करेक्ट आंसर देना है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एम है काफ़ी बार आ चुका है करेक्ट आंसर होगा अ मास्क एम सी क्यू नंबर थर्टी एट है होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री जॉन मिल्टन जो है वो अपना मास्टर जो है पोइट्री के अंदर किसको कंसीडर करते हैं या किसको मानते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए है चौसर ऑप्शन नंबर बी है शेक्सपियर ऑप्शन नंबर सी है जॉन डन ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर आपको करेक्ट आंसर देना है कि जॉन मिल्टन किसे अपना पोइट्री में मास्टर मानते हैं अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर तो आपका आंसर करेक्ट है चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम नंबर थर्टी व्हेन वैन वास जॉन मिल्टन बोर्न जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था ऑप्शन नंबर ए है ट्वेंटी टू अप्रैल सिक्सटीन हंड्रेड ऑप्शन नंबर बी है नाइनटीन अगस्त सिक्सटीन जीरो फोर ऑप्शन नंबर सी है सिक्स जून सिक्सटीन जीरो सिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है नाइन दिसंबर सिक्सटीन जीरो एट जी हां करेक्ट आंसर होगा नाइन दिसंबर सिक्सटीन जीरो एट फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जॉन मिल्टन की जो डेथ हुई है वो कब हुई है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर फोर्टी वेयर वास जॉन मिल्टन बॉर्न जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था ऑप्शन नंबर ए है ब्रिस्टॉल ऑप्शन नंबर बी है यॉर्कशायर ऑप्शन नंबर सी है लीवरपूल एंड ऑप्शन नंबर डी है लंदन ये तो आप जानते हैं कि लंदन में हुआ था करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लंदन लेकिन आपको पता चलें कि एक जगह है ब्रेड स्ट्रीट उस जगह पर हुआ था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 42 इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डि मिल्टन प्रमोट इसमें से जो नीचे वर्क दिया हुआ है किस में मिल्टन ने प्रमोट किया है किसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंड अपोज किया है लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप को ऑप्शन नंबर ए है पैराडाइज रिगेन ऑप्शन नंबर बी है एरियोपेजिटिका ऑप्शन नंबर सी है ए कोनोक्लास्टिस ऑप्शन नंबर डी है सैमसन एगोनिस्टिस आपको करेक्ट आंसर देना है ये एम जो है टी जी में आया हुआ है और आप सही सोच रहे हैं करेक्ट आंसर होगा नंबर बी एरियोपेजिटिका नाउ एम सी क्यू नंबर फोर्टी थ्री पैराडाइज लॉस्ट कम्प्राइज़ बुक्स पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं कितनी बुक्स पैराडाइज लॉस्ट के अंदर हैं ऑप्शन नंबर ए है ट्वेल्व ऑप्शन नंबर बी है सिक्सटीन ऑप्शन नंबर सी है टेन ऑप्शन नंबर डी है फोरटीन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेल्व बुक्स फ्रेंड्स आपको बताना है कि ट्वेल्व बुक्स जो आई थी वो सेकंड एडिशन में आई थी वो सेकेंड एडिशन का ईयर जो है वो आपको हमें बताना है फर्स्ट काम बता देते हैं आपको जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश हुई थी वो हुई थी सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में जिसमें टेन बुक्स थी उसके बाद इसको सेकेंड एडिशन में पब्लिश किया गया था जिसमें ट्वेल्व बुक्स थी वो ईयर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें अभी दे दीजिए नाउ एम सी क्यू नंबर फोर्टी फोर पैराडाइज लॉस्ट इज रिटिन इन पैराडाइज लॉस्ट जो है वह किस में लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए है फ्री वर्स में ऑप्शन नंबर बी है ब्लैंक वर्स में ऑप्शन नंबर सी है राइम्ड वर्स में एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज जी हां आप सही सोच रहे हैं ब्लैंक वर्स के अंदर क्योंकि मिल्टन का फेवरेट था ब्लैंक वर्स एम सी क्यू नंबर फोर्टी फाइव द फेमस लाइन वाट थो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इट इज स्पोकन बाई यह किसके द्वारा बोला गया है ऑप्शन नंबर ए है एडम ऑप्शन नंबर बी है ईव ऑप्शन नंबर सी है सेट एन ऑप्शन नंबर डी है बी बताइए किसके द्वारा बोला गया है ये स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होगा सेटन. सेटन ने कहा है ये पैराडाइज लॉस्ट में चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर फोर्टी सिक्स मिल्टन बिगिनस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक फर्स्ट लिखी है वो किसके साथ लिखी है ऑप्शन नंबर ए लेमेंट ऑप्शन नंबर बी है इन्वोकेशन ऑप्शन नंबर सी है सोलिलोकी एंड ऑप्शन नंबर डी है रिफ्रेन जी हाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्वोकेशन फ्रेंड्स आपको बताते चले हैं कि पैराडाइज लॉस्ट को जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1667 में जिसमें बुक्स 10 थी उसके बाद सेकेंड एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का वो आया था 1674 में जिसमें 12 बुक्स थी फ्रेंड्स आपको हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके ये सन अच्छी तरीके से याद हो जाएँ नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर फोर्टी सेवन द वर्ल्ड दैट कम्प्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन और डैश आपको फिलअप करना है कि यहाँ फिलअप में क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए है स्काई ऑप्शन नंबर बी है हेवन ऑप्शन नंबर सी है अर्थ ऑप्शन नंबर डी है मून जी हाँ करेक्ट आंसर है हेवन दोस्तों ये लाइन जो आई हैं ये आई है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो पब्लिश हुआ है फर्स्ट टाइम 1667 में और ये लाइंस बोली गई हैं सैतान के द्वारा बुक फर्स्ट के अंदर चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर फोर्टी एट बाई वॉट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड किस एज में मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे चलिए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है थर्टी फोर ऑप्शन नंबर बी है फोर्टी सिक्स ऑप्शन नंबर सी है फोर्टी फोर ऑप्शन नंबर डी है फिफ्टी सिक्स करेक्ट आंसर बताइए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोर्टी फोर फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर हमसे इसका सन पूछ लेते हैं कि किस सन में टोटली ब्लाइंड हुए थे तो अगर हमारे जो इनका बर्थ ईयर है वो याद है जो कि है सिक्सटीन ज़ीरो एट अगर हम इसमें ये फोर्टी फोर भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन फिफ्टी टू निकल जाता है तो इस तरीके से हम एक डिजिट को याद कर कर एक एम सी क्यू आराम से सॉल्व कर सकते हैं Now MCQ number forty नंबर What kind of काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन Agonist सैमसन एगोनिस्ट किस तरह का एक किस काइंड का एक वर्क है ऑप्शन नंबर ए वर्स प्ले ऑप्शन नंबर बी है एपिक ऑप्शन नंबर सी है लिरिकल ड्रामा ऑप्शन नंबर डी है शॉर्ट स्टोरी करेक्ट आंसर देना है आपको फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्स प्ले फ्रेंड्स सैमसन एगोनिस्ट जो पब्लिश किया गया था वो क्या गया था 1671 सेवेंटी वन में चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर फिफ्टी इन विच ईयर मिल्टन लिसडास वॉज रिटिन एक वर्क है मिल्टन का लिसीडास वो किस सन में लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए है 1638 ऑप्शन नंबर बी है 1632 ऑप्शन नंबर सी है 1634 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1636 बताइए किस सन में लिखा गया था लिसिडास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1637 फ्रेंड्स आपको बताते चले कि ये एक पास्टोरल एलेजी है पास्टोरल एलेजी है जो कि डेडिकेटेड की गई है इनके फ्रेंड्स एडवर्ड किंग को चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एमसीक्यू नंबर 51 वन हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है ऑप्शन नंबर ए है विलियम शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर सी है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन गॉल्सवर्थ थी करेक्ट आंसर होगा जॉन मिल्टन फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है ये इनका अनफिनिश्ड जो है प्रोज वर्क है क्या है अनफिनिश्ड प्रोज वर्क आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसको पब्लिश कब किया गया था नाउ एम सी क्यू नंबर फिफ्टी टू कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज किस तरह का रिगार्ड मिलता है मिल्टन के पोएटिक स्टाइल को ऑप्शन नंबर ए है प्लेन ऑप्शन नंबर बी है क्लासिकल ऑप्शन नंबर सी है ग्रैंड एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑर्नामेंटल करेक्ट आंसर होगा ग्रैंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम नंबर है 53. थ्री पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स कितनी बुक्स हैं मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ऑप्शन नंबर ए है ट्वेल्व बी टेन सी सिक्स एंड डी है एट करेक्ट आंसर आप जानते ही हैं ट्वेल्व नाउ एम सी को नंबर फिफ्टी फोर लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाई किसके द्वारा जो है लाइफ ऑफ मिल्टन है लिखा गया है ठीक है ऑप्शन नंबर ए है सैमुअल जॉनसन ऑप्शन नंबर बी है बैन जॉनसन ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स लैम ऑप्शन नंबर डी है जॉन ड्राइडन आपको देना है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो रोट लाइफ ऑफ मिल्टन अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए सैमुअल जॉनसन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाओ एम सी क्यू नंबर फिफ्टी फाइव कंप्लीट देंटेंस मिल्टनस एरोपेजिटिका कंसर्न विद किससे कंसर्न करती है मिल्टन की एरियोपैजिटिका ऑप्शन नंबर ए है लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑप्शन नंबर बी है लिबर्टी ऑफ प्रेस ऑप्शन नंबर सी है फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी ऑप्शन नंबर डी है फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप जानते ही हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिबर्टी ऑफ प्रेस ये हमने आपको बताया है कि ये लिखी कब गई थी उसका आंसर अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड नाउ फ्रेंड एम नंबर फिफ्टी सिक्स कंप्लीट द सेंटेंस कोमस इज कोमस क्या है कोमस ऑप्शन नंबर ए अमास्क ऑप्शन नंबर बी अपास्टोरल एलिगोरी ऑप्शन नंबर सी है पोइटिक लाइन एंड ऑप्शन नंबर डी अस तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ मास्क फ्रेंड्स आपको बताना है कि कोमस को पब्लिश कब किया गया था आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए नाउ एम सी क्यू नंबर फिफ्टी सेवन जॉन मिल्टन एल एलेग्रो इन विच ग्रेस विद होम ही मीन्स टू लिव ऑप्शन है अ मृथ ऑप्शन नंबर बी है जॉय ऑप्शन नंबर सी हैप्पीनेस ऑप्शन नंबर डी है लव बताइए आंसर करेक्ट आंसर होगा मृथ फ्रेंड्स आपको बताना है कि मृथ का मीनिंग क्या होता है आप इसका आंसर हमें अभी कमेंट बॉक्स में दीजिए नाव एम सी के नंबर फिफ्टी एट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मनोहर रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रेटोगस्ट इन विल्टन सैमसन एगोनिस्ट। ऑप्शन है अवर क्योर टू बी नो क्योर सैड क्योर ऑप्शन नंबर बी है दिस हॉरर विल ग्रो माइल्ड दिस डार्कनेस लाइट ऑप्शन नंबर सी है कॉल ऑफ माइंड आल पैशन स्पेंड ऑप्शन नंबर डी है अब द स्मोक एंड स्टिरऑफ दिस डिम स्पॉट विच मैन कॉल अर्थ बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो इसको आप पॉज करके एक बार प्रॉपर वे में रीड कर सकते हैं दोबारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉल ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर फिफ्टी नाइन इन विच ऑफ हिज ट्रैक्स मिल्टन सेज ही डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इट सेल्फ किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आई ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है टेट्राकॉर्डन ऑप्शन नंबर बी है एरोपेजिटिका ऑप्शन नंबर सी है कोलास्टेरियन ऑप्शन नंबर डी है डी डॉक्ट्रीना क्रिस्टियाना नाउ गिव द आंसर बताइए किसमें लाइन मिनिटल कहते हैं अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी एरोजिटिका तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी हु इज थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स नॉर्थ सेकेंड ही नॉर्थ सेकेंड ही दैट रोड सब लाइन अपॉन द सेरफ विंग्स ऑफ एस्टेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी थॉमस ग्रे का एक वर्क है जिसका नाम है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी उसमें इन्होंने ये लाइन्स लिखी है ये कहना चाह रहे हैं कि नॉट no सेकंड ही यानी कि यहां पर जो हु है यानी कि कौन है किसके बारे में ये लाइंस कही गई हैं ऑप्शन नंबर ए है शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है मिल्टन ऑप्शन नंबर सी है स्पेंसर ऑप्शन नंबर डी है डन तो करेक्ट आंसर होगा जॉन मिल्टन और एम सी क्यू नंबर सिक्सटी वन मिल्टन लिसडास एन मिल्टन का जो लिसीडास वर्क है ये क्या है एपिक ऑप्शन नंबर बी एल ऑप्शन नंबर सी ऑर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी लिरिक क्या है आंसर दीजिए करेक्ट आंसर होगा एले दोस्तों लिसीडास को 1637 में लिखा गया था बाय जॉन मिल्टन और ये एक पास्टोरल एले है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी टू हो डिस्रूव्ड मिल्टन लिसडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी ठीक है ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए है सैमुअल जॉनसन ऑप्शन नंबर बी है आई ए रिचर्ड्स ऑप्शन नंबर सी है एफ आर लेविज एंड ऑप्शन नंबर डी है टी एस इलियट वॉट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैम्यूएल जॉनसन नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी फोर होम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लोस्ट मिल्टन जो हैं वो अपना वर्क पैराडाइज लोस्ट में किसी पर एक्यूज करते हैं आरोप लगाते हैं वो क्या आरोप है एज द सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसोलैंस एंड वाइन ये है स्टेटमेंट है ये किसके रिगार्डिंग है यह आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है एंग्लिकन क्लर्गी ऑप्शन नंबर बी है कवालियर पॉइट्स ऑप्शन नंबर सी है द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबोव आपको बताना करेक्ट आंसर कि यह किस पर एकक्यूज लगाया गया है करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबोव चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी फाइव वैन वॉज़ पैराडाइज लॉस्ट कम्प्लीटेड बाई मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन के द्वारा कब कंप्लीट किया गया था ऑप्शन है सिक्सटीन फोर्टी ऑप्शन नंबर बी सिक्सटीन सिक्सटी फाइव ऑप्शन नंबर सी है सिक्सटीन फोर्टी वन ऑप्शन नंबर डी है सिक्सटीन सिक्सटी आपको कहना है करेक्ट आंसर कि पैराडाइज लॉस्ट कब कंप्लीट किया गया था नाउ गिव द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी सिक्सटीन सिक्सटी फाइव फ्रेंड्स इस सन में यह वर्क कंप्लीट हुआ था इसको पब्लिश किया गया था 1667 में टेन बुक्स के साथ इसको दोबारा पब्लिश किया गया था ट्वेल्व बुक्स में उसका सन था और मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना स्टार्ट किया था सिक्सटीन में चलिए नेक्स्ट देखते हैं नौ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी सिक्स मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लेटिन सेक्रेटरी मिल्टन जो है वो लेटिन सेक्रेटरी की पोजीशन पर अपॉइंट किए गए थे टू द क्रॉमवेल्थ गवर्नमेंट क्रॉमवेल्थ की गवर्नमेंट के अंदर चीफली ड्यू टू हिज वर्क किस वर्क की वजह से ऑप्शन नंबर ए है पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन नंबर बी है रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर सी है ऑन द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स ऑप्शन नंबर डी है डिफेंसियो सेकुंडा नाउ गिव द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ऑन द टन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजस्ट्रेट चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी सेवन सैमसंग एगोनिस्ट सोज मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इंटू इंग्लिश सैमसंग एगोनिस्ट सोज मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इंटू इंग्लिश ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो ऑप्शन नंबर बी है द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजडीज ऑप्शन नंबर सी है द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज एक्न टू हिज ऑन लाइफ एंड ऑप्शन नंबर डी है द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट आपको चूज करना है करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ये एम जो है टी जी में भी आ चुका है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजडीज सैमसन एगोनिस्ट को पब्लिश कब किया गया था सैमसन एगोनिस्ट को पब्लिश किया गया था 1671 में चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाव नंबर एल एलेग्रो एंड इल पेंसरोसो मीन एल एलेग्रो और इल पेंसरोलोसो का मीन क्या होता है ऑप्शन नंबर ए है द ब्लाइंड मैन एंड द अनहैप्पी मैन ऑप्शन नंबर बी है द डेस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन ऑप्शन नंबर सी है द जोयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन एंड ऑप्शन नंबर डी है द फलोसफर एंड द दॉट यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें फ्रेंड्स इसमें आपको देखना है जो पहला वाला दिया गया है ये और जो बाद वाला दिया गया है पहले का मीनिंग पहला होगा और सेकंड वाले का मीनिंग सेकंड होगा आपको इसमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द जोयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन एल एलेग्रो का मीनिंग होगा द जोयस मैन और सेकंड है एल पेंसिलोसो का मीनिंग होगा द मेडिटेटिव मैन चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर सिक्सटी नाइन जॉन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्लाइड नेटिविटी वॉज रिटिन वेन द पोइट्स एज वॉज आपको बताना है कि जॉन मिल्टन का एक वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस नेटिविटी जो कि एक ऑर्ड है ये पोएट ने किस एज में लिखी थी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी फोर ईयर्स ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी वन ईयर्स ऑप्शन नंबर सी है ट्वेंटी सिक्स ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी है थर्टी फाइव ईयर्स आपको बताना है जॉन मिल्टन ने किस एज में इस पोएम को लिखा था फ्रेंड्स अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी वन ईयर्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ट्वेंटी वन ईयर्स एज में जॉन मिल्टन ने इस पोएम को लिखा था आपको हम ये भी बता दें कि जॉन मिल्टन ने इस पोएम को जो कंपोज किया था वह दिसंबर 1629 में किया था नाउ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी डी डॉक्ट्रीना क्रिस्टियाना कार्ट्स डाउप्ट ऑन हिज ऑर्थोडक्सी ऑफ ऑप्शन नंबर ए है पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन नंबर बी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ऑप्शन नंबर सी है पैराडाइज डिगेन एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोसे डिफेंसियो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी पैराडाइज रिगेन तो आपका आंसर करेक्ट है पैराडाइज रिगेन को जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था सिक्सटीन में चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम नंबर सेवेंटी वन वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वॉज निक नेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट्स बाई द फेलो अंडर ग्रेजुएट्स स्पोर्ट द करेक्ट नेम ऑफ द पोइट आपको बताना है कि निक नेम है एक द लेडी ऑफ क्राइस्ट ये उनके जो फ्रेंड्स हैं साथ पढ़ने वाले उन्होंने ये नाम दिया था आपको उस राइटर को बचाना है ऑप्शन नंबर ए है मिल्टन ऑप्शन नंबर बी है स्पेंसर। ऑप्शन नंबर सी है शेक्सपियर एंड ऑप्शन नंबर डी है मार्लो ये तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए मिल्टन इज करेक्ट नाउ एम सी क्यू नंबर सेवनटी टू वैन वॉज असल्ट द सिटी इज अ सोनेट बाई ये एक सोनेट का नाम है और इसे किसने लिखा है ये आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए मिल्टन ऑप्शन नंबर बी वर्सवर्थ ऑप्शन नंबर सी शेक्सपियर ऑप्शन नंबर डी मार्लो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिल्टन नाउ एम सी नंबर सेवेंटी थ्री ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज जॉन मिल्टन की पोयम है अभी ये पोयम आई थी पीछे आपको बताना है कि ये क्या है ऑप्शन नंबर ए सोनेट है ऑप्शन नंबर बी ऑड ऑप्शन नंबर सी मास्क ऑप्शन नंबर डी पेस्टोरल एलर्जी बताइए क्या है यह है एक ऑड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नाउ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन इसमें से कौन सा एक वर्क मिल्टन का है ऑप्शन नंबर ए है नोवम ऑर्गेनम ऑप्शन नंबर बी है डी डॉक्ट्रीना क्रिस्टियना ऑप्शन नंबर सी है एंडीमियन ऑप्शन नंबर डी है प्रोथेलेमियन नाउ द आंसर, फ्रेंड्स आपको बताना है कि जॉन मिल्टन का वर्क इनमें से कौन सा है फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी डॉक्टरिन क्रिस्टीना चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी फाइव हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा है मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड ऑप्शन नंबर ए है आरोनोल्ड ऑप्शन नंबर बी है वर्स ऑप्शन नंबर सी है ग्रे एंड ऑप्शन नंबर डी है टेनिसन गिव फ्रेंड्स अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है नाउ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी सिक्स वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क मेंशन दैट कहा गया है कि नीचे कुछ वर्क दिए हुए हैं जो मिल्टन के उसमें से कोई एक वर्क जो है वो प्रोज वर्क है वो बताना है आपको ऑप्शन नंबर ए लिसिडास ऑप्शन नंबर बी पैराडाइज डिगेंड ऑप्शन नंबर सी है पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन नंबर डी है एरोपेजिटिका नाउ गिव द आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी एरोपेजिटिका तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स एरोपेजिटिका को लिखा गया था सिक्सटीन फोर्टी फोर में चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी को नंबर सेवनटी सेवन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट क्या है ऑप्शन देखिए हैज़ नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट बी इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल ओ ऑप्शन नंबर सी है इज़ क्वाइट ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर डी है हैज नन ऑफ द एबॉफ क्वालिटीज़ आपको देना है करेक्ट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज़ नोटेबल फॉर इट्स आउट ओ फ्रेंड्स आपको बता दें हम कि मिल्टन का जन्म जो हुआ है वो सिक्सटीन में हुआ है और उनकी डेथ हुई है वो 1674 में हुई है नाउ एम सी क्यू नंबर सेवेंटी एट हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है ऑप्शन नंबर ए गॉड ऑप्शन नंबर बी सेटन ऑप्शन नंबर सी एडम ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दैम आपको बताना है करेक्ट आंसर फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा एडम कहीं कहीं आपको सेटन भी लिखने को मिल सकता है लेकिन जिस सोर्स से मैं आपको बता रहा हूं उस सोर्स में एडम को ही करेक्ट माना गया है और ये टी जी टी टू थाउजेंड नाइन के अंदर आया हुआ है उसमें एडम को ही करेक्ट आंसर माना गया है चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं नाव एम सी क्यू नंबर सेवेंटी नाइन मिल्टनस पैराडाइज लोस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फॉर इट्स मिल्टन का जो पैराडाइज लोस्ट वर्क है ये किस लिए प्रशंसनीय है किस लिए इसकी प्लेस की जाती है ऑप्शन नंबर ए है लाइटनेस ऑफ टच ऑप्शन नंबर बी है ग्रैंड स्टाइल ऑप्शन नंबर सी है इट्स अटेरिकल टोन ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस ये तो आप जानते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड स्टाइल फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि पैराडाइज लॉस्ट को फर्स्टली पब्लिश किया गया था 1667 में टेन बुक्स के साथ और इसको दोबारा पब्लिश किया गया था 1674 में ट्वेल्व बुक्स के साथ चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम नंबर एट्टी सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन क्या है सैमसन एगोनिस्ट ऑप्शन नंबर ए इज़ अ प्ले ऑप्शन नंबर बी है इज़ अ लॉन्ग पोएम ऑप्शन नंबर सी है इज अ मास्क ऑप्शन नंबर डी है अ लॉन्ग ट्रेटाइज क्या है सैमसन एगोनिस्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ प्ले दोस्तों ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ये एक ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा है और बेस्ड है ये बिब्लिकल स्टोरी पर पब्लिश किया गया था सैमसन एगोनिस्ट सिक्सटीन सेवेंटी वन में नाउ नंबर एट्टी वन आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट दिस लाइन अकर्स इन ये लाइन कहां पर आती है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी है कॉमस ऑप्शन नंबर सी है पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन नंबर डी है ऑन इज ब्लाइंडनेस आपको करेक्ट आंसर देना है कि लाइंस जो हैं दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट किस में आई हुई हैं फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको हम बता दें कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो एक सोनेट है और ये आइटोबायोग्राफिकल सोनेट है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर एट्टी टू फ्राम विच बुक इट हैज़ बीन टेकन ये लाइन्स हैं कहा गया है कि किस बुक से ली गई है? है, 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 हैं टू बी वीक इज माइजरेबल डूइंग और सफरिंग ऑप्शन नंबर ए है द टेम्पेस्ट ऑप्शन नंबर बी है पैराडाइज रिगेंड ऑप्शन नंबर सी है द प्रल्यूड और ऑप्शन नंबर डी है पैराडाइज लॉस्ट फ्रेंड्स आपको देना है करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी पैराडाइज लॉस्ट फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश किया गया था नाउ एम नंबर 83. थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल पोयम बाई मिल्टन कहा गया है कि मिल्टन के, के द्वारा लिखी हुई कोई पास्टोरल पोयम है वो आपको बतानी है ऑप्शन नंबर ए एडोनिस ऑप्शन नंबर बी है थायरिस ऑप्शन नंबर सी है लिसिडास एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव आपको बताना है कि मिल्टन के, के द्वारा लिखी हुई पोयम कौन सी है काफी कन्फ्यूजिंग से नाम है सभी के सभी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिसिडास फ्रेंड्स लिसिडास को लिखा गया था 1638 के अंदर और ये एक पास्टोरल पोयम है बाय जॉन मिल्टन बात करते हैं एडोनिस की तो एडोनिस को लिखा गया है एटीन ट्वेंटी वन में बाई शैली बात करते हैं थारिसिस की तो थायरस को लिखा गया है एट्टीन सिक्सटी फाइव में बाई मैथ्यू और नोल्ड करिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी को नंबर एट्टी फोर मिल्टनस पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड हु मेड दिस स्टेटमेंट यह स्टेटमेंट किसने कहा है ऑप्शन नंबर ए है वेरिटी ऑप्शन नंबर बी है मैकमिलन ऑप्शन नंबर सी है पैटिसन ऑप्शन नंबर डी है बस आपको ना करेक्ट आंसर कि ये जो स्टेटमेंट है ये कि किसने कहा है रिगार्डिंग जॉन मिल्टन फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक मिलन चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर एट्टी फाइव द पीरियड नॉन एज द एज ऑफ मिल्टन एज कौन सा इसमें से पीरियड है जो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए है सिक्सटीन ट्वेंटी वन टू एटी वन ऑप्शन नंबर बी है सिक्सटीन ट्वेंटी टू सिक्सटीन सिक्सटी फाइव ऑप्शन नंबर सी है सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटीन सिक्सटी एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्वेंटी एट टू सिक्सटीन फिफ्टी फाइव आपको बताना है करेक्ट आंसर का इनमें से कौन सा पीरियड जाना जाता है एज ऑफ मिल्टन के नाम से करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी सिक्सटी ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटीन सिक्सटी नाउ एम सी क्यू नंबर एट्टी सेवन पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन हिज फेज ऑफ हिज लाइफ मिल्टन ने अपनी लाइफ के किस फेज में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था ऑप्शन नंबर ए मिडल ऑप्शन नंबर बी लास्ट ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट एंड ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा लास्ट नाउ एम सी नंबर एट्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाई मिल्टन मिल्टन के द्वारा कोई लिखा हुआ एक मास्क है उसका नाम बताना है आपको ऑप्शन नंबर ए कॉमर्स ऑप्शन नंबर बी है एरोपेजिटिका ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है मैन ऑफ द एबोव वॉट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कोमस कॉमर्स को लिखा गया था सिक्सटीन थर्टी फोर में नाउ एम सी नंबर एट्टी नाइन इन विच पोयम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपियर किस पोयम में यह स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट है सोलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी ऑप्शन चेक कर लेते हैं पैराडाइज रिगेन ऑप्शन नंबर बी है लिसिडास ऑप्शन नंबर सी है पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है कॉमर्स व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी पैराडाइज लॉस्ट। नाउ एम सी क्यू नंबर नाइनटी मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज सैमसन एगोनिस्ट क्या है ऑप्शन नंबर ए है एन एलिजी। जी ऑप्शन नंबर बी है एन ओड ऑप्शन नंबर सी है अ क्लासिकल एपिक ऑप्शन नंबर डी है अ क्लासिकल ट्रेजडी वॉट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी अ क्लासिकल ट्रेजडी नाउ एम सी क्यू नंबर सी

जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग को अपना एक वर्क डेडिकेट किया है जिसका नाम है लिसी डास और ये लिखा गया था सिक्सटीन थर्टी सेवन में तो नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी क्यू नंबर नाइन्टी टू दुमेन करैक्टर डेलीला अपियर्स इन एक करैक्टर है डेलीला नाम से ये किस वर्क में मिल्टन का अपियर होता है ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर फास्टस ऑप्शन नंबर बी है सैमसन एगोनस्टिस ऑप्शन नंबर सी है एट नाइट ऑप्शन नंबर डी है मैकबेथ फ्रेंड्स ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि हम जॉन मिल्टन को स्टडी कर रहे हैं तो जॉन मिल्टन का वर्क ही आंसर होगा आंसर होगा सैमसन एग्नोस्टिस डेलीला एप्पल होती है इन द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इन सैमसन एग्नोस्टिस फ्रेंड्स सैमसन एग्नोस्ट को लिखा गया था 1671 में नाउ एमसीक्यू नंबर 93 द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन और हेल अ हेल ऑफ हेवन अकर्स इन ये लाइंस जो हैं कहां पर आई है ऑप्शन नंबर ए है लिसीडा ऑप्शन नंबर बी है पैराडाइज रिगेन ऑप्शन नंबर सी है कॉमर्स ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है पैराडाइज लॉस्ट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी पैराडाइज लॉस्ट फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट को जो फर्स्टली पब्लिश किया गया था वो किया गया था सिक्सटीन में विद बुक टेन ठीक है उसके बाद इसका सेकेंड एडिशन आया था वो आया था सिक्सटीन को जिसमें टेन की जगह ट्वेल्थ बुक कर दी गई थी चलिए नेक्स्ट देखते हैं एम सी टी नंबर नाइन्टी फोर द अथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉस सैमसन एगोनिस्ट के ऑथर कौन है ऑप्शन नंबर है जॉन फ्लेचर, ऑप्शन नंबर बी जॉन वेस्टर ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर डी है बैन जॉसन फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी जॉन मिल्टन फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि सैमसन एगोनिस्ट जो है ये एक ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा है और यह पब्लिश किया गया था सिक्सटीन सेवनटी वन को फ्रेंड सैमसन एगोनिस्ट के साथ एक वर्क और जॉन मिल्टन का पब्लिश किया गया था जिसका नाम है पैराडाइज रिगेंड इसको भी पब्लिश सिक्सटीन सेवेंटी वन में ही किया गया था नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर नाइनटी फाइव मिल्टन वास मिल्टन कौन थे फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिल्टन का जन्म कब हुआ था और मिल्टन की डेथ कब हुई थी मिल्टन वास मिल्टन कौन थे ऑप्शन नंबर ए है एन एलिजाबेथन पॉइंट ऑप्शन नंबर बी है पॉइंट ऑप्शन नंबर सी अकोबियन पॉइंट ऑप्शन नंबर डी अलासिकल पॉइंट ना आंसर एंड द आंसर विल बी अटेड एलिजाबेथन पॉइट जी नेक्स्ट देखते हैं नाओ एम सी क्यू नंबर नाइन्टी सेवन हु ओवरकम्स बाई फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ इज वो द लाइन अकर इन ये लाइन कहाँ पर आती हैं ऑप्शन नंबर ए है बी है पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है क्रिस्टेबल वॉट इज द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैराडाइज लॉस्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर नाइन्टी एट हुफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड कौन ब्लाइंड हो गए थे करेक्ट आंसर होगा जॉन मिल्टन चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर नाइन्टी नाइन पैराडाइज रिगेन वाज द वर्क ऑफ पैराडाइज रिगेन किसका वर्क है पैराडाइज रिगेन वर्क है जॉन मिल्टन का फ्रेंड पब्लिश कब हुआ था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर वन हंड्रेड हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन पूछा गया है कि निम्न में से कौन ब्रिटिश सिटीजन नहीं था ऑप्शन नंबर ए है जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर बी है विलियम शेक्सपियर ऑप्शन नंबर सी है विलियम वर्सवर्थ ऑप्शन नंबर डी है कैथरीन फ्रैंक नाउ गिव द आंसर फ्रैंक फ्रेंड्स कैथरीन फ्रैंक जो है अमेरिकन राइटर है पावर मैचलेस बट विदाइटी एंड दैट स्ट्राइफ वॉज नॉट इन ग्लोरियस थ्रो द इवेंट वॉज डायर एज दिस प्लेस टेस्टिफाइज इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में आया हुआ है लाइन ये है 622 से लेगा 625 ही इज एड्रेसिंग हिज ये जो जॉन मिल्टन है इन लाइंस में किनको एड्रेस कर रहे हैं ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है फॉलोवर्स ऑप्शन नंबर सी है एनिमीज एंड ऑप्शन नंबर डी है ईव बताइए करेक्ट आंसर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉलोवर्स फिर नेक्स्ट देखते हैं नाउ एमसीक्यू नंबर 102 व्हाट डज मिल्टन मीन बाय द वर्ड फर्मामेंट इन द लाइन लाइन्स दे रखी है यहां से ठीक है नाउ ग्लोड द फर्मामेंट विद लिविंग सेफरीज हैस्पेरस डेट लेड इन बुक फोर लाइन सिक्स जीरो फाइव और पैराडाइज लोस्ट पैराडाइज लोस्ट में बुक फोर के अंदर लाइन्स हैं सिक्स जीरो फाइव ये लाइन्स जो है इसमें पूछा जाएगा फर्मामेंट का मीनिंग क्या है ऑप्शन नंबर ए है वीनस ऑप्शन नंबर बी है स्काई ऑप्शन नंबर सी है प्लूटो ऑप्शन नंबर डी है प्लांट्स विल द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी स्काई फर्मामेंट मीन्स होता है स्काई चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर वन हंड्रेड फोर इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन वोक्स हेवनली म्यूज यूरेनिया शी इज द म्यूज ऑफ ये किस चीज़ की म्यूज है जो यूरेनिया है ऑप्शन नंबर ए है लिरिक पोइट्री ऑप्शन नंबर बी है हिस्ट्री ऑप्शन नंबर सी है एपिक पोइट्री ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोनॉमी नाउ गिव द आंसर करेट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमी नाउ एम्स नंबर 105। मिल्टन हैज कंपोज द मैग्निफिस एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन ऑप्शन नंबर ए अनराइम एम्बिक पेंटामीटर ऑप्शन नंबर बी है इंग्लिश हीरोइक वर्स विदाउट राइम ऑप्शन नंबर सी है वर्स। ऑप्शन नंबर डी है राइम डिवर्स बताइए किस पर लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करेट आंसर विल भी ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश हीरो वर्स विदाउट राइम इंग्लिश हीरोइक हीरोइक ध्यान रखना है विदाउट राइम फिर नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर वन हंड्रेड सिक्स द फॉल ऑफ सैटन एस डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइट लॉस्ट लास्टेड फोर डेज ऑप्शन नंबर ए नाइन ऑप्शन नंबर बी है सिक्स ऑप्शन नंबर सी है डी है फाइव बताइए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइन नाव एम सू के नंबर वन हंड्रेड सेवन द ओपनिक लाइन ऑफ पैराडाइज लोस्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ का गुड एग्जांपल है पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइन है ऑप्शन नंबर ए है हीरोइक कपलेट ऑप्शन नंबर बी है मिल्टोनिक इन्वर्जन ऑप्शन नंबर सी है स्परंग राइम ऑप्शन नंबर डी है हाईपरबॉल नाउ गिव द आंसर करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन नंबर बी मिल्टोनिक इन्वर्जन चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सू नंबर वन हंड्रेड एट हु ऑफ द फॉलोइंग सेट दैट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट ऑप्शन नंबर ए है विलियम ब्लैक ऑप्शन नंबर बी है विलियम एम्पसन, ऑप्शन नंबर सी है सी एस लेविस ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंक करमोड नाउ गिव द आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विलियम ब्लैक नाउ एम सी नंबर नाइन है वैन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन सोनेट ऑफ ये किसका बेस्ट नॉन सोनेट है करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्टन फ्रेंड्स आपको बता देंगे कि जॉन मिल्टन ने जो सोनेट लिखे थे उनको कोई टाइटल नहीं दिया गया था क्योंकि फर्स्ट सोनेट जो ये ही है तो इसी के नाम से सोनेट को जाना जाता है आपको बता दें कि सोनेट जो है मिल्टन ने ओरिजिनली सिक्सटीन को पब्लिश किए थे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम नंबर वन हंड्रेड टेन हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टड हिज राइटिंग फर्स्ट इनमें से किसने सबसे पहले अपने राइटिंग को लिखना स्टार्ट किया था यानी कि सबसे पहले वर्क करना स्टार्ट किया इन इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शन नंबर ए है विलियम शेक्सपियर ऑप्शन नंबर बी है जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर सी है विलियम वर्सवर्थ ऑप्शन नंबर डी है पी जी वुड हाउस वाट विल भी करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जन्म इन सबसे पहले हुआ था और ये हमने वन से लेकर वन हंड्रेड टेन तक एम सी क्यूज को कवर कर लिया है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करें थैंक यू